पिछले क्लास में हमने ये देखा कि कोई भी स्फेरिकल मिरर होगा वो कितना मैग्नीफिकेशन बनाएगा, माइनस वी बाई यू, जो कि इक्विवेलेंट होता था किसके, एक तो ये चीज़ है और दूसरा जो कि इक्विवेलेंट होता था इसके, एम इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्टिव। इनके बीच एक्चुअल में ये कंपेरिजन हम लोगों ने कल सीखा था, कुछ बातें कल हो गई थी, कुछ बातें आज बाकी थी, कल के क्लास को ही कंटिन्यू करके लिंक करके आगे बढ़े। आपको पता होगा, ध्यान से समझिएगा, कि अगर ऐसा हुआ कि मैग्नीफिकेशन का मैग्नीट्यूड, बिना साइन के बारे में बात कर रहे हैं, अगर मैग्नीफिकेशन का मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन वन हुआ, इसका मतलब इमेज कैसा बना होगा, इनलार्ज की स्मॉल, बोलिए, मैग्नीफाइड या डिमिनिश, इनलार्ज, बिल्कुल मैग्नीफाइड। इमेज का नेचर कैसा होगा, मैग्नीफाइड, मैग्नीफाइड मतलब समझ रहे हो ना, बड़ा बनेगा, क्लियर है, गुड। और यहीं पे अगर मैग्नीफिकेशन का जो मोड है वो अगर लेस देन वन हुआ, इसका मतलब इमेज कैसा बना है, डिमिनिश, मतलब छोटा बना है, क्लियर। और अगर मैग्नीफिकेशन का मोड, ध्यान देना यहाँ पे मोड की बात कर रहे हैं, मोड अगर इक्वल टू वन हो गया, इसका मतलब ये इमेज कौन सा है, इक्वल साइज का, नहीं सेम, पहली बात। अब बिना मोड के बारे में बात करते हैं, अगर मैग्नीफिकेशन लेस देन जीरो, मतलब नेगेटिव की बात हो रही है ना सर, नेगेटिव की, अब बताइए मैग्नीफिकेशन अगर नेगेटिव हो रहा है, इमेज का नेचर यहाँ से डिसाइड कर सकते हो क्या, बिल्कुल, इमेज का नेचर कैसा होगा, रियल होगा, बिल्कुल, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल और इन्वर्टेड, नहीं, अगर मैग्नीफिकेशन नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब हुआ मैग्नीफिकेशन नेगेटिव, जीरो लेस देन मतलब नेगेटिव, और अगर मैग्नीफिकेशन ग्रेटर देन जीरो है, मतलब पॉजिटिव है, तो पक्का ये वर्चुअल है एंड इरेक्ट है, क्लियर है। चलो, अब सिर्फ मैग्नीफिकेशन के साइन से, सिर्फ मैग्नीफिकेशन के साइन से आप हमें बता सकते हैं कि इमेज, सॉरी, जो मिरर है वो कौन सा है, आइए देखते हैं, क्या देख पाते हैं, बताइए मैग्नीफाइड इमेज कौन बनाता है, कनकेव की कन्वेक्स की, दोनों कनकेव, इसका मतलब कोई भी केस होगा, अगर मैग्नीफिकेशन ज्यादा है, ग्रेटर देन वन है, इसका मतलब पक्का वो मिरर कौन सा होगा, कनकेव ही होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, कनकेव मिरर ही होगा, कन्वेक्स मिरर मैग्नीफिकेशन बड़ा बनाने का औकात ही नहीं रखता है। अब देखो डिमिनिश है तो बता सकते हैं क्या मिरर कौन सा है, हाँ इसमें चांसेस नहीं है, इसमें तो फिर आपको नेचर का हेल्प लेना पड़ेगा, तो इसमें कनकेव भी, क्योंकि कनकेव मिरर भी डिमिनिश बनाता है और कन्वेक्स भी डिमिनिश बनाता है, लेकिन अगर इमेज ये इक्वल है तो पक्का ये मिरर कनकेव ही होगा, ये सुनो, प्लेन मिरर भी हो सकता है, कनकेव या प्लेन मिरर भी हो सकता है ना, प्लेन मिरर भी इक्वल इमेज बनाती है, आई बात समझ में, हाँ ध्यान दो। अब बताओ रियल इन्वर्टेड, इसका मतलब ये पक्का कौन सा मिरर है, कनकेव, और ये कॉन्वेक्स भी हो सकता है और प्लेन भी हो सकता है, देखो ना वर्चुअल, हाँ 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 हाँ, कनकेव कन्वेक्स तीनों हो सकता है, ये कनकेव भी कॉन्वेक्स भी, कॉन्वेक्स भी और प्लेन भी, नहीं तीनों मिरर हो सकते हैं, कनकेव कन्वेक्स या प्लेन तीनों हो सकता है, ये बात क्लियर है। अच्छा एक चीज और बताओ, ये बताना, सवाल ये है कि कोई मिरर है जिसका मैग्नीफिकेशन प्लस वन है, क्या मतलब हुआ इसका, देखो मैग्नीफिकेशन का साइन, साइन तुम्हें ये इंडिकेट करेगा, ये जो साइन है, नहीं साइन पॉजिटिव ये इंडिकेट कर रहा है कि ये वर्चुअल इमेज है, ध्यान देना ये इमेज वर्चुअल है, और ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू
नहीं, वैल्यू जो कि वन है ये इंडिकेट करता है कि इमेज जो है वो कैसा है बाबू, इक्वल साइज का है। अब आप ही बताइए क्या आपके पास ऐसा कोई मिरर है? जी हाँ बिल्कुल। कौन सा मिरर है सर? ये प्लेन मिरर है। बिल्कुल, ये आपके पास क्या रहा? प्लेन मिरर। ऐसा सिर्फ और सिर्फ प्लेन मिरर में होता है। और यहीं पे अगर यहीं पे आपको ये पूछ दिया जाता कि मैग्निफिकेशन माइनस वन है, अगर ये सवाल रहता, बिल्कुल मैग्निफिकेशन माइनस वन है तो ये मिरर कौन सा होगा? कॉनकेव होगा। क्लियर है? ये चीज एकदम क्लियर है। तो ये मैग्निफिकेशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन हो गई जो आपको हमेशा दिमाग में रख के चलना है। वैसे ये सब सारी चीजें आपको पहले से पता है, हम एक बार रिकैप करा दिए, आपको याद दिला दिए ताकि इसे आप भूले ना। क्लियर है सर? एक सिचुएशन था, ऑब्जेक्ट था, ऐसा ड्राइंग था इसमें, इसका थोड़ा रे डायग्राम आप लोगों को तो आता ही है ना। एक ऑब्जेक्ट हम आपको देते हैं, उसका रे डायग्राम जरा बना के दिखाइएगा। ठीक, देखते हैं आप लोगों ने अभी तक रे डायग्राम सीखा है सच में या बस ऐसे टाइम पास करते हैं। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट हम आपको दे रहे हैं, उस ऑब्जेक्ट का आप हमें इमेज बना के दिखाएंगे। क्लियर है? कनकेव मिरर दे दिए, ये रहा फोकस, और मान लीजिए और ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। चलो फोकस यहां कर देते हैं, फोकस, और ये है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर सी, और ये एफ। ठीक है, ध्यान दीजिए, हम ऑब्जेक्ट दे रहे हैं आपको, ऑब्जेक्ट दे, चलो ये रहा एक ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये एक ऑब्जेक्ट है। चलिए, पेंट वाले का रेडियोग्राम नहीं बनाना है आपको, इस ऑब्जेक्ट का इमेज बनाना है। चलिए बनाइए, इसका ये ए बी सी डी बनाइए इसका रेडियोग्राम। चलिए, आप लोगों ने ट्रैक किया, सेव इसका ट्रेपेजियम आएगा। अब ये आप ये बताइए आपको किसका किसका इमेज बनाना है, ये देखना है। आप ना अगर आपको यही दे दिया जाता कि सिर्फ इसका इमेज बनाओ ए बी का, सिर्फ ए बी का और सी डी का, तो आराम से नहीं बना देते सर? बिल्कुल, क्या पहले किसका इमेज बनाए? चलिए ए बी का इमेज बनाते हैं। आप ये बताइए, आप और सबको भूल जाना है, बताइए ए बी ऑब्जेक्ट जो है ये बिटवीन सी एंड एफ है, इसका इमेज बियॉन्ड सी बनेगा, बड़ा बनेगा कि छोटा? बिल्कुल बड़ा बनेगा। क्लियर है? तो ए बी का जो इमेज बनेगा वो ए डैश बी डैश बियॉन्ड सी बनेगा और थोड़ा बड़ा बनेगा। यस और नो? ए डैश बी डैश। क्लियर है? समझे बात को? वेरी गुड। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो आप कैलकुलेट कर ही सकते हैं। और आप बताइए अगर आप इसका इमेज बनाओगे सी डी का, सी डी भी क्या है, सी और एफ के बीच ही है, तो इसका भी इमेज बनेगा बियॉन्ड सी, लेकिन इसके पहले बनेगा कि इसके बाद बनेगा? इसके बाद बनेगा। वेरी गुड। बड़ा बनेगा कि छोटा? इससे तो बड़ा बनेगा ही, इससे भी बड़ा बनेगा। यस और नो? इससे भी बड़ा बनेगा। देखो अब ये ड्राइंग आपको पता है कैसे होता है, करवाओगे क्या हमसे? नहीं ना, मत कराना। ये हो गया डी डैश और ये हो गया आपका सी डैश, सिंपल सी बात, बस हो गया, बन गया इमेज आपका। अब इसका बनाना ही नहीं है, बस इसको ज्वाइन कर देना है, काम खत्म। ठीक है, ये बन गया आपको इसका इमेज। क्लियर है सर? समझ पाए? अब यहां पे आप जरा देखो तो ये साइजे बदल गया इसका, इस ऑब्जेक्ट का एकदम बिल्कुल ही साइज ही बदल गया, शेप ही बदल गया। इस तरह से आप ये कहिए कि बताइए क्या इमेज जो बना वो मैग्निफाइड है कि नहीं है? बिल्कुल मैग्निफाइड है, लेकिन किस टाइप का मैग्निफिकेशन है सर? ये कैसा मैग्निफिकेशन? लिनियर तो ऐसा नहीं होता है। बिल्कुल, इसे कहा जाता है लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन। ये कब होता है? देखो पहले वाले केस में कनकेव मिरर के सामने अगर आप प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर ऑब्जेक्ट को रखते हो तो पहला वाला था लिनियर मैग्निफिकेशन। जब एक रड को या वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट को, एक रड को आप प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर रखते हो उस केस में लिनियर मैग्निफिकेशन होता है। जब इसे ही आप प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रख दोगे ना,
जब आप इसे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रख दोगे, इस केस में जो मैग्नीफिकेशन होगा इसे लॉन्गिट्यूडिनल मैग्नीफिकेशन कहा जाता है। क्लियर है, आई बात समझ में? यानी ये हमारा अगला मैग्नीफिकेशन था जिसे हमने कहा लॉन्गिट्यूडिनल मैग्नीफिकेशन। क्लियर, आइए नोट करें इसे। जो दूसरा टाइप था मैग्नीफिकेशन का वो था आपका लॉन्गिट्यूडिनल मैग्नीफिकेशन। समझ पाए? लॉन्गिट्यूडिनल मैग्नीफिकेशन, इसको हम लोग MS कह देते हैं, मैग्नीफिकेशन ML, लॉन्गिट्यूडिनल मैग्नीफिकेशन। क्लियर, हाँ। ये बनेगा कब? ये तब बनता है इफ, जब आप, ये कब फॉर्म होगा? जब आप, हाँ, इफ अ रड इज प्लेस्ड अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस। जब आप प्रिंसिपल एक्सिस से करेंगे तब जो मैग्नीफिकेशन बनेगा उसको हम लोग कहेंगे लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन। ये बातें क्लियर है? वेरी गुड। कैसे कैलकुलेट करें सर? सिंपल सी बात है कि लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन कैलकुलेट करने के लिए ML, लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना है? लेंथ ऑफ इमेज लेना है, ध्यान देना, लेंथ ऑफ इमेज बाय लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। अच्छा, ये बात भी समझ गए सर। तो कैसे ऑब्जेक्ट का लेंथ लें, ऑब्जेक्ट का लेंथ कैसे लें और इमेज का लेंथ कैसे लें? सर आप ये बताइए, क्या मतलब हुआ ऑब्जेक्ट का लेंथ और इमेज का लेंथ का? देखो सर, ऑब्जेक्ट का लेंथ कितना है, आइए जरा आपको हम बताएं। सर आप हमें ये बताओ, ध्यान से बताना, क्या ये लेंथ है ऑब्जेक्ट का? ये सुनो, क्या AD या BC लेंथ है ऑब्जेक्ट का? लेंथ, समझ रहे हो ना? लेंथ कैसा मेजर लें? उस केस में कौन सा लेंथ लेते थे? ये वाला लेंथ लेते थे। और इस केस में कौन सा लेंथ लेंगे? ये वाला लेंथ लेंगे। तो बताइए ऑब्जेक्ट का यही ना साइज है, यही ना लेंथ है, हो या नहीं? मत बोलो। हाँ, तो अब आपने क्या किया? हाँ, जैसे आप मान लो, इसका मैं जो तुम्हें सुना, इसको यूज कर लेते हैं, ठीक है? आपने ये मान लो, आपने इसे पहला ऑब्जेक्ट मान लिया, मान लो ये पहला ऑब्जेक्ट और ये मान लो दूसरा ऑब्जेक्ट, चलेगा? और बताइए ये U2 - U1 ये आएगा? ये सुनो, BC का वैल्यू, अरे भाई U1 यहां से U1 है ना नुनू, हाँ, यहां से U1 और यहां से U2, तो अगर U2 - U1 करिएगा तो BC वैल्यू नहीं आएगा, आएगा? वेरी गुड। अब बताइए इसका इमेज कहां बनाया आपने? U2 का इमेज कहां बनाया? U2 का इमेज यहां बना है, इसको मान लेते हैं हम लोग V2। और U1 का इमेज कहां बनाया आपने? यहां पे, इसको मान लिया हमने V1। कुछ पल्ले पड़ रहा है कि नहीं? बस ऐसे पड़ रहा है ना, बस हो गया काम तमाम। अब आपको ये क्या करना है? डिस्टेंस निकालना है। तो बताइए लेंथ ऑफ इमेज हमको ये चाहिए, A-D, ये क्या होगा? V1 - V2, ध्यान दे रहे हैं, V1 - V2, या समझना, या V2 - V1 का मोड लगा देंगे, काम बनेगा। डिफरेंस नेगेटिव में आ रहा था तो पॉजिटिव हो गया, आपको सिर्फ डिफरेंस लेना है, समझ गए? वेरी गुड। ये क्यों ले रहे हैं? क्योंकि देखो ना, भी यहां से यहां तक का डिस्टेंस, अरे भाई आप V1 - V2 लो ना, एक ही बात है। यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है? V1। और यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है? V2। अगर V1 में से V2 माइनस करोगे, ये लेंथ पता चलेगा ना, लेंथ ऑफ इमेज। गुड, या V1 - V2 लिखिए या V2 - V1 का मोड लगा दीजिए, एक ही बात है, याद रखने में अच्छा रहेगा। क्लियर, बाय U2 - U1, आपको बस डिफरेंस से मतलब रखना है, समझ गए? हो गया फॉर्मूला आपके पास, रेडीमेड तैयार? यस और नो? है बाबू ये वाला हे बुद्धिहीन मानव, इसका लेंथ कैसे निकालोगे? बोलो, निकालो कैसे निकालोगे? V1
माइनस वी टू, भाई इसके बीच का लेंथ यही ना होगा नुनू, इसके बीच का लेंथ मतलब परपेंडिकुलर लेंथ ना, बोलो लेंथ टेढ़ा लगू क्या वही आएगा, समझा बाबू, लेंथ इज दी परपेंडिकुलर लेंथ, क्लियर है, गुड। अब ये तो बात हो गई नॉर्मल जनरल बात हो गई, थोड़ा स्पेशल देखें लीनियर मैग्निफिकेशन के साथ इसका रिलेशन निकाल के जरा देखें, आइए निकालते हैं। मान लेते हैं ये ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है ही नहीं, छोटा ऑब्जेक्ट है, फोर स्मॉल ऑब्जेक्ट, देखना फोर स्मॉल ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट हमारे लिए स्मॉल होगा तो सिंपल सी बात आप ये कह सकते हैं कि जो मैग्निफिकेशन लॉन्गिट्यूडनल होगा, लॉन्गिट्यूडनल होगा वो सिंपल सा क्या होगा, डी वी बाई डी यू, स्मॉल चेंज इन इमेज लेंथ, स्मॉल चेंज इन इमेज लेंथ बाय स्मॉल चेंज इन ऑब्जेक्ट लेंथ माइनस माइनस वी बाई यू होता था ना, बोलिए आई बात समझ में, बस आपके पास मिरर फॉर्मूला है ना, आपके पास मिरर फॉर्मूला है कौन सा, वन बाय वी नाउ, समझना बड़ा इंटरेस्टिंग बात बता रहे हैं, वन बाय वी इक्वल टू वन बाय एफ, एक काम करते हैं इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, ठीक है इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, अगर आप इसे डिफ्रेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में कर दो, किसी एक के रिस्पेक्ट में कर देते हैं, ठीक है पार्शियल डिफरेंशिएशन यहां पे होगा, चलो आता है डिफरेंशिएट करने नहीं, कोई बात नहीं, नहीं आता है तो सीखो और करो, इसको करते हैं डी वी बाय वी स्क्वायर, क्लियर, माइनस अरे भाई यू बाय वी लगा देना, डी यू बाय यू स्क्वायर, और कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है जीरो, कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है जीरो, क्लियर है ये वाला पॉइंट, ठीक है गुड। अब एक बात जरा बताओ, यहां से आ जाओ हम लोग यहां चले, हमें चाहिए डी वी बाय डी यू, डी वी बाय डी यू, क्लियर है, क्या डी वी बाय डी यू छांट लें, कैसे छांटे, ऐसे आ जाओ माइनस डी वी, ध्यान देना डी वी बाय वी स्क्वायर इक्वल टू डी यू बाय यू स्क्वायर, हाँ बाबू डिफरेंशिएशन गलत है क्या, आई वो गलत है, नहीं नहीं ठीक है कि, हाँ हाँ ये वाला सही है ना, हाँ सही है, चलो अब हमें चलना करना है डी वी बाय यू स्क्वायर, सही है, अब एक काम करते हैं हम लोग इस डी वी को यहां पे डी यू इधर ले आते हैं, तो बताइए माइनस डी वी बाय डी यू इक्वल टू वी स्क्वायर बाय यू स्क्वायर आया, जरा देखो तो वी स्क्वायर बाय यू स्क्वायर आया, आप हमें ये जरा बता दे यहां पे आ जाओ, आप हमें जरा ये बताओ कि या तो आप मैग्निफिकेशन लिनियर मैग्निफिकेशन को, या तो लिनियर मैग्निफिकेशन को माइनस डी वी बाय स्मॉल ऑब्जेक्ट के लिए डी वी बाय डी यू बोलो, ठीक है, या आप वी स्क्वायर बाय यू स्क्वायर बोलो, कोई दिक्कत कोई आपत्ति नहीं, आप ही बताइए अगर हम मैग्निफिकेशन जो लॉन्गिट्यूडनल था ट्रांसवर्स जनरल मैग्निफिकेशन माइनस वी बाय यू था हमारे पास पहले से m इक्वल टू माइनस वी बाय यू था, इसे स्क्वायर कर दें, इसे स्क्वायर करेंगे तो बताइए स्क्वायर का नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, ये सुनो समझ पाए बात को, बस हो गया, तो यहां से हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन आया, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन लिनियर मैग्निफिकेशन के स्क्वायर टाइम्स होता है, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन लिनियर मैग्निफिकेशन के स्क्वायर टाइम्स होता है, एक बार अच्छे से देख लीजिए, किसी चीज को दोबारा रिपीट करना हो तो बताइए। अगला है सुपरफिशियल मैग्निफिकेशन, आइए इसका हम लोग काम करें, देखो जैसे मान लो आपने मिरर के सामने कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट रखा, प्लेन ऑब्जेक्ट, जैसे यहां पे अभी वन डायमेंशनल, यहां पे टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट था और टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट को आप
प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर रख देते हैं, उस केस में क्या होता है? जैसे मान लीजिए हमने एक ऐसे ऑब्जेक्ट को यहां पे रख दिया, ऐसा वाला ऑब्जेक्ट को, ठीक है, ऐसा ऑब्जेक्ट को हमने यहां पे रख दिया। अब बताइए इसका इमेज बनेगा, ये मान लो ऐसे रख दिया हमने ऑब्जेक्ट को, इसका इमेज बनेगा कि नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा। कहां पे रखें इस बात पे डिपेंड करता है। तो मान लीजिए हमने इसे बिटवीन सी और एफ रखा है, मान लीजिए इसका बिटवीन हमने एफ और सी रखा है, तो नॉर्मल सी बात है ये आपको समझ में आ ही गया होगा कि इसका इमेज कैसा बनने वाला है। इसका इमेज बनेगा एकदम से बड़ा सा, बनेगा ना, गुड। इसका इमेज जो बनेगा बड़ा सा बनेगा, कितना बड़ा, चलो ज्यादा नहीं बड़ा बनाते हैं समझने के लिए बस, तो ज्यादा बड़ा बन गया क्या, कोई बात नहीं। ठीक है, और ये वाला इंड तो और बड़ा बनेगा, आप भावनाओं पे मजा, मतलब सिचुएशन देखना जरा, इसका इमेज जो बना रहे हैं हम बड़ा बना रहे हैं, फिर ये बस सोचना कि आड़ा तिरछा बने, क्योंकि ऐसा है तो ऐसा इसी, इसका इमेज जो बनेगा आड़ा तिरछा नहीं बनेगा। अगर ये स्क्वायर है तो स्क्वायर का ही जो मैग्नीफाइड इमेज होगा वो बड़ा वाला स्क्वायर बनेगा, आई बात समझ में? हाँ, अगर स्क्वायर प्लेट है तो ऐसा नहीं कि स्क्वायर का रेक्टेंगुलर बन जाएगा या ट्रेपेजियम टाइप का बनेगा, नहीं बाबू, आप इमेजिंग करो ना, मिरर के सामने ऐसे रखना ऑब्जेक्ट को, तो ये वाला ऊपर वाला जो आप अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को, है ना, अगर मान लो आप ऑब्जेक्ट को ऐसे रखोगे तो ये वाला इमेज बड़ा हो जाएगा, ये वाला एज बड़ा हो जाएगा, ये वाला एज भी बड़ा होगा, ये वाला एज भी बड़ा होगा, तो इसका शेप कैसा होगा? हाँ, सीधा आड़ा तिरछा रखोगे तो फिर मुश्किल है, लेकिन एकदम बिल्कुल सीधा रखोगे तो इसका इमेज जो बनेगा वो बिल्कुल ही इतना का बड़ा बनेगा, ठीक है, साइज सिर्फ चेंज होगा, शेप वैसा ही रहेगा, ये बात क्लियर है, गुड। हम लोग मान लेते हैं यहां पे ऑब्जेक्ट है, ये है मान लीजिए इसका हाइट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये हो गया मान लो विड्थ ऑफ ऑब्जेक्ट, उसी तरह से ये मान लो हाइट ऑफ इमेज हो गया और ये विड्थ ऑफ इमेज हो गया, कोई दिक्कत नहीं। आप हमें बस ये बताइए कि ये वाला जो हाइट है वो नहीं कहते लिनियरली, ये वाला जो हाइट है इमेज का अगर मैग्निफिकेशन हुआ है तो लिनियरली मैग्निफाइड हुआ है, m टाइम्स अगर मैग्निफिकेशन होगा तो क्या हम इसको लिख सकते हैं m h o, यस और नो बोलो, लिख सकते हैं? उसी तरह से ये वाला जो होगा ये भी m टाइम्स मैग्निफाइड हुआ है, यस और नो कह सकते हो? गुड, तो ये हो जाएगा आपका m टाइम्स ऑफ विथ ऑफ ऑब्जेक्ट, क्लियर? ठीक है, मतलब ये हुआ कि अगर आप टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट को, ये कब बनता है, जब इफ टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड विथ इट्स प्लेन परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, उस केस में मैग्निफिकेशन बनेगा आपका सुपरफिशियल, इस केस में कौन सा मैग्निफिकेशन बनेगा, सुपरफिशियल, क्लियर है? देखो यहां पे जो लीनियर मैग्निफिकेशन बना है, लीनियर मैग्निफिकेशन कैसा बना, सिंपल सी बात है, लीनियर मैग्निफिकेशन बना है दो, एक हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, एक दूसरा विथ का भी बना है, विथ ऑफ इमेज बाय विथ ऑफ ऑब्जेक्ट, जिस रेशियो में, रेशियो तो सेम ही होगा ना, रेशियो है ये, अगर हाइट दो गुना होगा तो विथ भी तो दो गुना होगा, तभी तो ये सेफ उसी को मेंटेन करेगा, क्लियर है? वेरी गुड, यहां पे हमने ये चीजें लिख दी है कि हाइट ऑफ इमेज जो होगा
क्लियर है, वो m टाइम्स हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यहां से भी कह सकते हो m, और हाइट विथ ऑफ इमेज जो हुआ यहां पे विथ ऑफ इमेज m टाइम्स ऑफ विथ ऑफ ऑब्जेक्ट, ये चीजें हमें पहले से पता है। क्लियर, इस तरह से ये हो गया। अब हमारे पास जो सुपरफिशियल मैग्निफिकेशन है उसका फॉर्मूला क्या होता है, सुपरफिशियल मैग्निफिकेशन, ये जो सुपरफिशियल मैग्निफिकेशन होगा ये एक्चुअल में एरिया ऑफ इमेज और एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो होगा, ठीक है। ये होता है एरिया ऑफ इमेज, ठीक है, इमेज का एरिया बाय एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट, इसका रेशियो होता है। फिर एरिया निकालें ऑब्जेक्ट का, आप ही बताइए ऑब्जेक्ट का एरिया कैसे निकालोगे। ऑब्जेक्ट का अगर मान लो स्क्वायर या रेक्टेंगुलर शेप का है तो लेंथ इनटू ब्रेथ, एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू ब्रेथ ऑफ ऑब्जेक्ट विथ ऑफ ऑब्जेक्ट, और इमेज का क्या होगा, लेंथ हाइट ऑफ इमेज इंटू विथ ऑफ इमेज कह सकते हो। फिर बोलोगे सर लेंथ ब्रेथ हाइट कुछ अगर दूसरे शेप का होगा तो भाई मैग्निफिकेशन समझ लो ना, शेप तो आपको पता है कि शेप का एरिया कैसे निकालते हैं, ठीक है, मैग्निफिकेशन समझिए मैटर आप। चलो अब आप यहाँ पे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को एज इट इज रहने दीजिए, किसको चेंज करेंगे, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को एज इट इज विथ भी एज इट इज रहने दीजिए, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, क्लियर है। चलो अब आप हमें ये बताइए इमेज का पुट करें सबका, ऊपर वाला सेम रहने देते हैं विथ ऑफ ऑब्जेक्ट, अब आप ही बताइए इमेज का हाइट क्या लिखोगे, यहां पे देखो तो सॉरी यहां पे, हाँ ठीक है ठीक, हाइट ऑफ विथ ऑफ इमेज, कुछ गड़बड़ हुआ है क्या, नहीं ना देख रहा, यहां पे सब सही है, हाँ हाइट ऑफ इमेज क्या लिखोगे, m टाइम्स ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज जो लिखा आएगा m टाइम्स ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, कुछ गड़बड़ नहीं ना है, सही है, उल्टा लिख देना हाइट, ओ इमेज होगा ना यहाँ पे, इमेज ना एरिया, इमेज इमेज ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सॉरी इमेज इमेज ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो हम लोग एक काम करते हैं हाइट ऑफ इमेज को क्या लिखेंगे, m टाइम्स ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू विथ ऑफ इमेज m टाइम्स ऑफ इमेज हाइट, यस और नो, गुड। अब यहां पे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और विथ ऑफ ऑब्जेक्ट ही रहने देते हैं, m टाइम्स विथ ऑफ ऑब्जेक्ट विथ ऑफ ऑब्जेक्ट ही रहने देते हैं, देखो हाइट से हाइट गया विथ से विथ गया, कुल मिला के आंसर कितना आया है आपका m स्क्वायर, ये लिनियर है, समझ गए बात को, m स्मॉल m क्या है यहाँ पे लिनियर है, इसका मतलब यहां से ये चीजें क्लियर हो गई कि जो सुपरफिशियल मैग्निफिकेशन होता है वो भी सुपरफिशियल मैग्निफिकेशन जो होगा, यहां पे आ जाओ, सुपरफिशियल मैग्निफिकेशन जो होगा वो भी लिनियर मैग्निफिकेशन का स्क्वायर होता है, आई बात समझ में, क्लियर है। इस तरह से आप सुपरफिशियल मैग्निफिकेशन और लिनियर मैग्निफिकेशन के साथ उनका रिलेशन एस्टेब्लिश कर सकते हैं, ये सुनो, कोई दिक्कत बताइए, कंफ्यूजन है तो जरा सा भी बोलना। एक साधारण सा सवाल पहले कर लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन ये है द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉनकेव मिरर, द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉनकेव मिरर इज 30 सेंटीमीटर, फाइंड द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, फाइंड द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द मिरर, इन फ्रंट ऑफ मिरर सो दैट
the image so that the image is 3 times the size of object. साइज ऑफ ऑब्जेक्ट क्या आप लोग ट्राई करेंगे? करिए. आप हमें बस ये बता दीजिए कि ये जो मिरर है ये मेरा रियल इमेज बना रहा है कि वर्चुअल इमेज बना रहा है. बहुत सारे बच्चों ने रियल को बहुत सारे बच्चों ने इसे रियल कंसीडर करके बनाया. सही है, उसका भी सही है, -40 आया होगा, बिल्कुल सही है. लेकिन आप ये बताइए कहीं सवाल में ये बात का जिक्र है या सवाल में ऐसा कुछ हिंट है जिससे हमें ये पता चल जाए कि ये रियल है कि वर्चुअल है? बोलो कि सर बड़ा इमेज बना रहा है कनकैप, बड़ा इमेज तो वर्चुअल ही बना, रियल ही बनाता है. भाई कनकैप मिरर है, बड़ा इमेज वर्चुअल भी तो बनाता है. जब स्पेसिफाई ना हो या ऐसा कोई हिंट ना दे रखा हो जिससे ये चीजें क्लियर हो जाए इमेज रियल है कि वर्चुअल है, तब तक आपको ये दोनों पॉसिबिलिटीज लेके चलनी पड़ेगी, आपको ये दोनों केस लेना पड़ेगा. ठीक है, मैग्निफिकेशन एक बात, यहां पे क्या होगा, दो पॉसिबिलिटी होगी. ठीक है, यहां पे दो पॉसिबिलिटी है, क्लियर है. एक पॉसिबिलिटी क्या है कि इमेज जब रियल बने, नहीं इमेज अगर रियल हो, रियल 3 times मैग्निफाइड हो, इस केस में मैग्निफिकेशन -3 लेना है. और अगर इमेज नहीं वर्चुअल मैग्निफाइड है, क्योंकि सवाल में एक चीजें क्लियर नहीं है, उस केस में मैग्निफिकेशन आपको +3 लेना है. मैक्सिमम बच्चे ये किए, बिल्कुल सही है. चलो m इक्वल टू होता है -v/u, m का वैल्यू -3 -v/u, तो v का वैल्यू आया है 3u. चलिए हमें क्या निकालना था, ऑब्जेक्ट u इक्वल टू, चलिए u का फॉर्मूला बताओ, क्या लिखा था हमने u का फॉर्मूला, बोलो बोलो, vf माइनस vf बाय v माइनस f ना, ठीक है. हाँ सर, ये मिरर फॉर्मूला ही था ना, उसके डिफरेंट फॉर्म थे, कोई बात नहीं. 1/f इक्वल टू 1/v + 1/u, ठीक है. v का वैल्यू कितना है 3u, u का वैल्यू कितना है पता नहीं, जब तक पता ना हो तब तक साइन मत रखिएगा, समझ गए? हाँ गलती होगी. F कितना है, फोकल लेंथ है 30, तो -1/30 इज इक्वल टू 3u, और यहाँ पे हुआ 1+3 मतलब 4/3u, तो 3u इक्वल टू -30 × 4, तो u इक्वल टू कितना हुआ -30 × 4/3. सॉल्व करेंगे, -40 होगा, बिल्कुल नेगेटिव आना चाहिए, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव आया है, पहला केस. दूसरे केस की बात कर ले, हाँ दूसरे केस में मैग्निफिकेशन +3 यूज करेंगे, तो 3 इक्वल टू -v/u, इस केस में v इक्वल टू -3u आएगा. जब आप मिरर फॉर्मूला पुट करेंगे तो हमें लगता है ये वैल्यू आ जाएगा कितना, u, जब आप इसको सॉल्व करेंगे, चलो सॉल्व कर देते हैं, 1/-30 इक्वल टू 1/v + 1/u, जब आप इसे सॉल्व करेंगे एलसीएम होगा 3u - 1+3, तो -1/30 इज इक्वल टू 2/3u, तो 3u इक्वल टू -30 × 2, तो u इक्वल टू आया -20 cm. ये सुनो, क्लियर है? हाय बाबू, फोकल लेंथ 30, फोकल लेंथ 30 है नुनू, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं. एक ही बात, अब ये सिचुएशन समझो क्या है, जरा समझो, जरा समझो, रियल इमेज बन रहा है ना, आइए इसे एक बार ड्रॉ करके देखें. देखो ये मिरर है, मिरर में ये रहा फोकल लेंथ 30, फोकल लेंथ 30 है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे है जरा देखो, तो 40 पे, मतलब ये 60 के बीच है ना, 40 पे है ना ऑब्जेक्ट, तो देखिए इसका रियल इमेज बनता है बियॉन्ड सी, बनता है ना, समझ रहे हैं बात को, इसका जो इमेज बनेगा वो बियॉन्ड सी मैग्निफाइड बनेगा, मतलब ये करेक्ट है. इस सिचुएशन को आइए जरा देखते हैं, यहाँ पे देखो जरा, इमेज कनकैव, कनकैव मिरर, देखो जरा फोकल लेंथ 30, सेंटर ऑफ कर्वेचर 60,
बताइए ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, 20 पे है, यहाँ पे है ऑब्जेक्ट 20। देखो वर्चुअल इमेज मैग्नीफाइड बनेगा कि नहीं बनेगा, मतलब ये भी करेक्ट है। आई बात समझ में? तो जब आपको ये क्वेश्चन में ये चीजें क्लियर हो जाए कि आपको क्या करना है तो ठीक है, नहीं बात तब तो कोई दिक्कत नहीं, रियल वर्चुअल का आपको मैकेनिज्म पता है। लेकिन जब सवाल पढ़ने से ये चीजें क्लियर नहीं हो रही हो कि रियल इमेज बनेगा कि वर्चुअल इमेज बनेगा तो क्या करेंगे, तब ये दोनों केस लेके आपको चलना पड़ेगा और इसके आंसर होंगे दो। या ये भी हो सकता है कि इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा ऑप्शन में, ऑप्शन में मान लीजिए चार होंगे, चार में से आपने निकाला है 40, पहली बार आपने 40 निकाला है, 40 वाला कहीं है ये नहीं, तब 40 वाला नहीं है, आपको नहीं बोलेगा कि 20 40 40 20 ऐसा वाला ऑप्शन नहीं होगा, आपको रहेगा 30 50 60 20। तब क्या करोगे, तब 20 वाला टिक करोगे, 40 वाला रहेगा ही नहीं। आई बात समझ में? सवाल ऐसे रहते हैं। एक क्वेश्चन देते हैं हम होमवर्क बोर्ड पे लिख के, उसे आप लोग ट्रैक करिएगा, बढ़िया सवाल है, सुपरफिशियल या लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन से रिलेटेड होगा, उसका कंसेप्ट लगाना है, कल के क्लास में हम लोग उसका करेंगे सॉल्यूशन। क्वेश्चन आज कर लेते, हो सकता है आप लोग खुद ट्राई करें, क्वेश्चन नोट करेंगे। सवाल है कि हमारे पास एक थीन रड है जिसका लेंथ f/3 है, उसे पी एक्सिस कनकेव मिरर के सामने रखा गया। ध्यान दो, हमारे पास ये एक मिरर था, कनकेव मिरर, इस मिरर के सामने एक, हाँ आपको बनाना है, आपको सॉल्व करना है इसको, हम तो क्वेश्चन समझा रहे हैं बस। एक थीन रड है, बहुत ही पतला सा रड है, जिसका लेंथ है f/3, लेंथ कितना है f/3, इस रड का लेंथ कितना है f/3, और इसे प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग रख दिया गया है। कह रहा है कि इसका इमेज जो बन रहा है वो रियल, विच इज रियल एंड एलोंगेटेड, ये बात तो पक्का है कि इसका जो इमेज है वो रियल और एलोंगेटेड है। लेकिन यहां पे एक चीज और लिखा हुआ है, जरा ध्यान से पढ़िए, लिखा हुआ है कि जस्ट टचेज वन एंड, यानी कि ऑब्जेक्ट का एक एंड और इमेज का एक एंड टच कर रहा है, इसका मतलब एक, यस इसका मतलब ये वाला तभी पॉसिबल है जब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगा, तब ना इसका इमेज और ऑब्जेक्ट का, ये इमेज का एंड और ऑब्जेक्ट का एंड टच करेगा, क्लियर है, गुड, ये वाला एक एंड टच कर रहा है। अगर बोलोगे यहां पे, तब तो यहां पे भी हो सकता था, लेकिन यहां पे गड़बड़ होगी, एंड टू एंड टचिंग नहीं होगा। तो आपको पता है कि ये पॉइंट कहां पे हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, बाकी इसका जो इमेज बनेगा वो एलोंगेटेड बनेगा और ऐसा बनेगा, यह सुनो, देखो पता चल गया कौन सा मैग्निफिकेशन निकालना है आपको, सुपरफिशियल। अब आपको सुपरफिशियल मैग्निफिकेशन निकालना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस कैलकुलेट करना है और इसे सॉल्व करना है। हाँ बाबू, मैग्निफिकेशन कौन सा पूछा गया यहां पे, आपको कौन सा मैग्निफिकेशन बताओगे यहां पे, लॉन्गिट्यूडनल आएगा, चलिए निकालिए निकालिए यहां पे किस तरह का, अरे कमाल करते हैं बाबू, यहां पे मैग्नीफाइड इमेज कैसा बना है, लीनियर नहीं ना, सुपरफिशियल बना है ना, तो जैसा पूछ है वैसा नहीं, यहां पे लिखा हुआ कि किस टाइप का मैग्नीफिकेशन, आपको बस मैग्नीफिकेशन बोला है, मतलब जिस तरह का मैग्नीफिकेशन बनेगा वही निकालोगे ना, सुपरफिशियल बना है तो सुपरफिशियल निकालोगे ना, नहीं समझे, जब तक लीनियर कहां ना जाए तब तक लीनियर नहीं निकालना है, जो हुआ है वही बनाओगे। कौन बोला फिट, शेप बदलता है, डिस्टेंस तो परपेंडिकुलर ले लोगे, यहां भी डिस्टेंस तो परपेंडिकुलर ही लोगे ना, निकालने का तरीका इसका वही ना है, शेप कैसे नहीं बदला, बदला कैसे नहीं बदला, डिस्टेंस जब कैलकुलेशन करेंगे तब तो दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस परपेंडिकुलर ही लेते हैं ना, शेप कैसा भी हो से तुमको क्या मतलब है। तब अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो सिंपल सी बात है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस करिए, है ना, ये हो गया मान लो u1 और ये हो गया आपका u2, u1 u2 का वैल्यू पता है, फोकल लेंथ इसका पता है आपको, फोकल लेंथ कितना है f, u1 कैसे पता चला, अच्छा आप जाए ये बताइए u1 कितना, अच्छा u2 के बारे में कुछ बताइए, u2 कितना होगा, बिल्कुल u2 कितना होगा, u2 कितना होगा, 2f, गुड, u2 यहां पे क्या हो जाएगा आपका 2f, क्लियर है, कैसे निकलेगा, देखो
इतना डिस्टेंस में से या टोटल डिस्टेंस में से किसको घटा दे? टोटल लेंथ पता है। ओहो हो, यू टू तो सिंपल सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला हो जाएगा। गुड, सही है। यू टू आपका हो जाएगा सी पे और ये हो जाएगा आपका 2F। क्लियर है? तब तो आ ही गया। चलिए यू वन के बारे में बताइए कुछ। यू वन कैसे निकालेंगे? यू वन कैसे निकालेंगे? सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। आपको क्या निकालना है इसमें से, ध्यान देना, आपको क्या निकालना है? ये वाला डिस्टेंस निकालना है। सिंपल सी बात है भाई, टोटल में से ये वाला पार्ट अगर माइनस कर दोगे, ध्यान दो, आपको तो बस ये चाहिए ना यू वन, ये नहीं चाहिए यू वन। तो टोटल में से अगर इतना माइनस कर दे तो बचा हुआ पार्ट यू वन होगा ना। मतलब यू वन कितना हो जाएगा, टोटल कितना है 2F, 2F में से F बाय थ्री, F बाय थ्री लेंथ ऑफ रड अगर माइनस कर दोगे आएगा U, आ गया अब कितना होगा, 3 × 2 = 6 में से 1, 5F बाय थ्री। चलो साइन कन्वेंशन भी फॉलो करना है, साइन कन्वेंशन भी फॉलो करिएगा ना। और फोकल लेंथ इसका कितना है, दोनों के लिए फोकल लेंथ F है। साइन कन्वेंशन पुट करेंगे, ध्यान दीजिएगा, यहाँ भी माइनस यूज करेंगे, जब फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ भी माइनस करेंगे, यहाँ पे माइनस करेंगे, कर दिए। चलिए वी वन निकाले, देखो यू टू तो सेम ही होगा, नो टेंशन। वी टू क्या होगा, वी टू को निकालने की टेंशन ही मत लो, क्योंकि आपको पता चल गया कि वी टू कितना होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बना है, तो वी टू का वैल्यू होगा 2F, उसका टेंशन ही मत लो, बस यू टू निकाल लो। वी टू, हाँ इसका वी वन निकाल लो। तो भाई आप ये बताइए, 1/F इक्वल टू 1/V1 प्लस 1/, इसके लिए ऑब्जेक्ट कौन होगा, यू वन, यस और नो, बस सॉल्व करें। आइए F का वैल्यू कितना है, माइनस 1/F, V1 का वैल्यू निकालना है और U1 का वैल्यू पता है, बिल्कुल पता है कितना है, U1 का वैल्यू है आपका माइनस 5F/3, माइनस 5F/3, कोई दिक्कत नहीं। यहां से इसको इधर कर लेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, माइनस 1/F प्लस 3/5F इक्वल टू 1/V1। क्लियर? चलिए तो यहाँ पे एलसीएम लोगे तो 1/V1 इक्वल टू एलसीएम आएगा 5F का 5F, और यहाँ बचेगा माइनस 5 प्लस 3, कुल मिला के ये आ गया आपका कितना, माइनस 2/5F। क्लियर है? माइनस 2/5F। तो V1 का वैल्यू आ गया है आपका माइनस 5F/2, कोई दिक्कत नहीं, V1 का वैल्यू आ गया। अब देखिए V1 V2 आ गया, U1 U2 आ गया, आपको मैग्नीफिकेशन चाहिए। मैग्नीफिकेशन कैसे निकलता है, सिंपल सी बात है, मैग्नीफिकेशन कैसे निकाले हम लोग, मैग्नीफिकेशन कौन सा निकलेगा, सुपरफिशियल। तो मैग्नीफिकेशन के लिए फॉर्मूला हमारे पास क्या था, याद होगा आपको, सुपरफिशियल वाला क्या था, दोनों का मैग्नीट्यूड लेना है, डिफरेंस, समझ गए? हाँ, डिफरेंस में प्लस माइनस साइन नहीं, आपको क्या करना है, V2 का भी मैग्नीट्यूड माइनस V1 का भी मैग्नीट्यूड बाय U2 का भी मैग्नीट्यूड माइनस U1 का भी मैग्नीट्यूड। क्लियर है? और फिर टोटल का भी मैग्नीट्यूड लेना है, समझ गए? हाँ, आपको ये फिर टोटल का मैग्नीट्यूड लेना है, ये बात ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे हमको डिफरेंस से मतलब है, साइन से कोई मतलब नहीं मैग्नीफिकेशन में यहाँ पे। क्लियर है? चलिए आप बताइए V2 का वैल्यू कितना आया है, 2F बिना साइन का माइनस, गुड। V1 का वैल्यू कितना आया है, देखो 5F/2 बिना साइन का, 5F/2। चलिए उसके बाद U2 का वैल्यू कितना है, 2F बिना साइन का लेना है, और U1 का वैल्यू कितना है, U1 का वैल्यू माइनस 5F/3, हाँ मतलब 5F/3, इसका मोड लेना है, बस सॉल्व करना है। चलिए सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आएगा बताएंगे सर, सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आएगा बताइए। देखो 2 × 2 = 4, 2 × 2 = 4 में से 5, 4 में से 5 माइनस F, माइनस F/2, माइनस F/2 को क्या लिखोगे, F/2 लिखोगे, मोड है ना, गुड। 3 × 2 = 6, 6 में से 5 गया 1, F/3, F/3, माइनस को नहीं लिखना है ना, मोड लिखना है ना, माइनस लिखना है ना, मोड लिखना है, ठीक है, क्लियर हो गया। F से F उड़ गया तो ओवरऑल आपका जो आंसर आया
मैग्निफिकेशन सुपरफिशियल वो 3/2 टाइम्स मैग्निफाइड इमेज ऑब्टेंड होगा। समझ पाए सर? 3/2 टाइम्स मैग्निफाइड इमेज ऑब्टेंड होगा। चलिए क्लियर है कैसे किए? सिंपल सी बात है, आपको पता है कि एक इसमें क्वेश्चन है कि एक एंड टच कर रहा है, तो ये जो ऑब्जेक्ट होगा मान लो U2, इसका जो इमेज बनेगा दोनों पोजीशन सेम होगा ना, इसीलिए हमने U2 को -2f, तो V2 भी -2f ही होगा, V2 -2f होगा। चलो और U1 कैसे पता चला हमको? ये U1 चाहिए, ये वाला डिस्टेंस, तो ये हमने क्या किया, U2 में से ये लेंथ को माइनस कर दिया, ये आ गया, कर दिए। इस तरह से हमने V1 निकाल लिया मिरर फॉर्मूले की हेल्प से, और उस तरह से मैग्निफिकेशन। बस यहाँ पे ध्यान में रखना है कि मोड यूज किया जाता है बस। हाँ बोलिए सर। पे अगर यहीं पे आपसे ये पूछा जाता कि आप इसका लिनियर मैग्निफिकेशन बताएं, लिनियर मैग्निफिकेशन बताएं, तो आपको पता है कि सुपरफिशियल मैग्निफिकेशन जो होता है स्क्वायर होता है, तो सुपरफिशियल आपको पता है 3/2, तो लिनियर मैग्निफिकेशन स्क्वायर रूट टाइम्स ऑफ 3/2, ये सुन। लेकिन जब तक ये बातें स्पेसिफाई नहीं की जाएगी कि किस टाइप का मैग्निफिकेशन, तो जिस तरह का मैग्निफिकेशन वहां पे बन रहा होता है आपको वही वाला निकालना है, ठीक है? इस क्वेश्चन देने का मकसद यही था। इस तरह से ये टॉपिक होगा आपका कंप्लीट। मिलते हैं हम लोग कल फिर अगले क्लास में नई डाउट के साथ। धन्यवाद। अगर आपको ये कंफ्यूजन है कि सर कब कौन सा मैग्निफिकेशन होगा, तो आपको ये क्वेश्चन बताएगा कैसे। देखो ये मिरर है, मिरर के सामने अगर ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर है प्रिंसिपल एक्सिस के, इस केस में होता है लिनियर मैग्निफिकेशन। क्लियर? क्लियर। अगर ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग होगा, ठीक है, कोई भी रड है, रड अगर प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर है, तो उस वक्त हम लोग सिर्फ लिनियर मैग्निफिकेशन निकालेंगे, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ रेशियो इमेज ऑब्जेक्ट। जब रड को ऐसे रख दिया जाएगा, रड को समझ रहे हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग, इस केस में होता है सुपरफिशियल मैग्निफिकेशन, जो कि ये सवाल था, इसमें लिखा हुआ है ना प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग लिखा हुआ है सुपरफिशियल। और जब किसी प्लेन को, एक सीट को प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर रख दिया जाएगा, एक सीट को प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर रख दिया जाएगा, उस केस में टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट को, जब 2D ऑब्जेक्ट को, टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट को परपेंडिकुलर रखा जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के, उस केस में होता है, सॉरी ये सुपरफिशियल नहीं था, ये लॉन्गिट्यूडनल था, सॉरी ये लॉन्गिट्यूडनल है, हाँ बता दीजिए, लॉन्गिट्यूडनल है, सॉरी। और जब किसी प्लेन को, है ना, किसी प्लेन को ऐसे रखा जाता है, तो उस केस में होता है सुपरफिशियल, ठीक है, उस केस में क्या होता है सुपरफिशियल, ये लॉन्गिट्यूडनल हुआ। क्लियर है? सॉरी ठीक है, क्लियर है। चलिए आप क्वेश्चन वगैरह आप लोग प्रैक्टिस करिए, मिलते हैं हम लोग कल अगले क्लास में कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर के साथ। धन्यवाद।